पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शीतलहर का आगमन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए आप सबकी रसोई के द्वारा गर्म कपड़ों का वितरण और लिहाफ वितरण कार्यक्रम दिल्ली रोड स्थित एक बैंकट हॉल में किया गया, जिसमें एक किट तैयार की गई जिसके अंतर्गत एक जैकेट, मोजे, कैप, डबल बेड का कंबल और लिहाफ वितरित किए गए। इससे पहले अध्यक्ष ऋतु विश्नोई, कोषाध्यक्ष कमल गोला, महासचिव रवि यदुवंशी व्यक्तिगत रूप से ये कार्य विगत कई वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। इस वर्ष सर्व समाज आप सबकी रसोई ट्रस्ट के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों को किट और लिहाफ वितरित किए गए। साथ ही सभी को भोजन का पैकेट भी दिया गया। इस कार्य को करने के लिए पूरा रसोई परिवार एक माह से निरंतर तैयारी करता रहा, जिसमें गली मोहल्ले, सड़कों आदि पर घूम घूम कर अभावग्रस्त लोगों को पर्ची दी गई, जिससे सच में सही लोगों तक मदद पहुंच सकी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया, साथ ही विशेष सहयोग देने वालों को सम्मानित भी किया गया। ये सर्व समाज आप सबकी रसोई एवं सामाजिक कार्य ट्रस्ट, इसके अंतर्गत हम लोग भोजन तो वितरित करते ही हैं, कच्चा राशन वितरित करते हैं, लेकिन हम लोग समाज के विभिन्न क्षेत्र और वर्ग में इस रसोई के अंतर्गत कार्य करते हैं। और आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वो हो रहा है गर्म कपड़ों का वितरण एवं लिहाफ वितरण। इसके अंतर्गत हमने जो समाज के ऐसे वर्ग के लोग हैं जो भीख नहीं मांगते हैं और अपना जो जीवन यापन है बहुत छोटी सी चीज से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई मोची कील ठोक रहे हैं या फिर कोई प्रेस कर रहा है, उसी जगह पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ पे रहते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, उनके लिए हमने आज यहाँ पर गर्म कपड़ों के वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिसके अंतर्गत हमने एक डबल बेड का कंबल, मोजे, जैकेट, कैप और लिहाफ की व्यवस्था की है, उसके साथ साथ खाने की व्यवस्था भी की है। लगभग आज कितने लोगों को वितरण किया गया? आज 350 किट हमने यहाँ पर और लिहाफ बांटे हैं, 350 किट और लिहाफ, लिहाफ अलग है और किट 350 अलग है। इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहा? आज यहाँ पर मेरा पूरा रसोई परिवार उपस्थित है और महासचिव रवि यदुवंशी जी, कमल गोला जी कोषाध्यक्ष और संयोजक श्री अरुण दीक्षित जी, यहाँ पर महिला संयोजिका श्रीमती संजना दीक्षित जी ये उपस्थित रहे और सभी पूरा रसोई परिवार यहाँ पर उपस्थित रहा, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि उनके बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जैसे आज इस समय ओमिक्रोन ने अपनी दस्तक दे दी है, क्या समाज को संदेश देना चाहिए? कोरोना के लिए भी हमने देखिए आप देख सकते हैं हमने पूरा बैंकेट हॉल इसीलिए किया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और सबको मास्क वितरित किए गए हैं, सबको अलग अलग बिठाया गया है। यही संदेश है कि कृपया आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क तो अपनाएं और कोरोना को दूर भगाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।